एग्जाम का टाइम मीनिंग की सो मच स्ट्रेस, हाइपरटेंशन एंड ऑल्सो बच्चों के सामने होती हैं स्लीपलेस नाइट्स, जिसकी वजह से हो जाती हैं अदर कंडीशंस लाइक इंसोम्निया, इनडाइजेशन, टू मच ऑफ स्ट्रेस, ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ एग्जाम फोबिया। हेलो पीपल, आई एम गरिमा भंडारी, वेलकम टू फिट तक। और अगर आप भी स्टूडेंट हैं और या फिर आपके किड्स हैं जिनको कि एग्जाम के समय बहुत ज़्यादा रहती है एग्जाइटी, सो दिस इज द वीडियो फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी पर्वत आसना यानी कि माउंटेन पोस्चर, जो कि एक बहुत ही आई वुड से कॉन्ट्रीब्यूटरी या थेरेपेटिक पोस्चर है। स्पेशली स्टूडेंट्स अगर इसको प्रैक्टिस करें तो बहुत ही अच्छा है उनके लिए, स्पेशली उनके कॉन्सेंट्रेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए, फोकस को बूस्ट करने के लिए, और ऑल्सो एट द सेम टाइम ब्रेन को काम करता है। तो उनके जो डर होता है, नर्वसनेस होती है, एग्ज़ाम फोबिया होता है एग्ज़ाम से पहले, एटलीस्ट वन मंथ पहले से वो ऑलरेडी स्ट्रेस होने लग जाते हैं, नींद नहीं आती उनको, तो उस सब के लिए बहुत ही अच्छा है काम डाउन करने के लिए। क्योंकि इसमें जब हम ब्रीदिंग साथ में आसना की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारा एक ऑक्सीजन का इन्फ्लक्स है, जो कि हमारे फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्रेन को रिसीव होता है, जिसकी वजह से ब्रेन हो जाता है एकदम काम एंड कंपोज। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सीटेड माउंटेन पोस्चर। सबसे पहले आप किसी भी सुखासना में बैठ जाएं। सुखासना में अपने लेग्स को फोल्डेड रख सकते हैं, जो भी आसना में आप कंफर्टेबल हो। क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैक को स्ट्रेट रखें, एब्डोमिनल्स को थोड़ा सा ब्रेस करें। उसके बाद इनहेल के साथ अपने हैंड्स को ऊपर की तरफ इस तरह से रेज करें, स्पाइन को स्ट्रेट रखें, अपने फिंगर्स को इस तरह से इंटरलेस करें आपस में। उसके बाद पाम्स को स्काई की तरफ इस तरह से फेस रखें ऊपर की तरफ, स्ट्रेच करें, शोल्डर्स को ओपन करें, आईज को आप चाहें तो शट कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग इनहेल और एक्सहेल एटलीस्ट 4-5 टाइम्स यहाँ पर प्रैक्टिस करें। एंड टू एक्सहेल धीरे धीरे रिलीज करें एंड आईज को ओपन करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस आसना में ब्रीदिंग को बहुत ही इक्वानिमस तरीके से प्रैक्टिस करें, बहुत ही काम एंड सोबर ब्रीदिंग। इन्हेलेशन को लॉन्ग रखें, एक्सहेलेशन को लॉन्ग रखें, एंड वंस यू प्रैक्टिस दिस यू विल सी कि इमीडिएटली हाउ योर स्ट्रेस गोज अवे आउट ऑफ द विंडो। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस आसना इज कि आप इसको बीच में जब आप ब्रेक्स लेते हैं अपने पढ़ाई के बीच में, that is the time you can actually practice it many times of the day, even during the night if you sleep till late and you are studying in the night, even that time you can practice it. aur is tarah ke aur bahut sare therapeutic postures aur pranayamas mere sath practice karne ke liye fit tak ko aaj hi youtube pe subscribe kare, facebook instagram mein hame follow kare, hame apna feedback zarur dein, aapko hamare videos kaise lage, aur agar acche lage to apne friends and family ke sath share kare। keep spreading the love guys, happy practicing।